हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स, चैप्टर नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट। कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। ठीक है, देन लेट अस लर्न अबाउट दिस। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट की कंपोजिशन। ठीक है, देन लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट लेवल, फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, हाउ टू बिल बिकम अ लॉ, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू ट्राई टू सॉल्व दिस गियर अप, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, नेम ऑफ योर स्टेट, अपने स्टेट का नेम लिखना है आपने। देन नेम ऑफ योर चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, कि अपने स्टेट का जो उस जो आपने स्टेट लिखी उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, अपने स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर उसके नाम उसका नाम लिखना है। द रूलिंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ योर स्टेट, आपकी स्टेट में कौन सी रूलिंग रूल कर रही है पोलिटिकल पार्टी, उसका नेम लिखना है। देन हाइएस्ट अथॉरिटी विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन योर स्टेट, कौन सी हाइएस्ट अथॉरिटी है जो आपके स्टेट में मेंटेन कर रही है लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ट्राई टू डू दिस। ओके, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया में फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट है। इट हैज़ द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट शेयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज 3 लेवल आर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। कि 3 लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जो शेयर पावर दैट शेयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबल, जो अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है, कौन कौन सी है, सेंटर लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल। ठीक है, सेंटर लेवल क्या होगी, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे अभी कौन सी गवर्नमेंट वर्क कर रही है सेंटर में, बीजेपी। ठीक है, स्टेट लेवल कौन सी कर रही है, हमारे स्टेट कौन सा है, पंजाब। पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, कांग्रेस। ठीक है, लोकल लेवल हो गया, जो हमारे एरिया के लेवल की जो वर्कर्स होते हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द इश्यूज कंसर्निंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर, ऑटोमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो क्या काम करती है, कि वो इशू कंसर्न करती है, उनको डिफेंस करती है, वो फॉरेन अफेयर के बारे में बात करती है, ऑटोमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ओके, स्टेट लेवल लुक आफ्टर द इशू रिलेटेड द स्टेट, कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल के रिलेटेड ही जो इशू होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की मदद करती है। ठीक है, इंडिया सिटीजन हैव अ राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। की जो इंडियन सिटीजन है उनको राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना, सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो चाहे लोकल लेवल का हो। अंडरस्टूड, हाँ जी बेटा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट की कंपोजिशन कैसे होती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज कंप्राइज ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कंप्राइज करती है गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर को। जो गवर्नर होता है वो स्टेट का हेड होता है। ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। कि जो बाकी के जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर की सलाह से अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड फ्रॉम द पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इन असेंबली। कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, कि जो चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड फ्रॉम, चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, कि द पार्टी है दैट हैज़ मेजॉरिटी इन द असेंबली। कि जिस पार्टी की असेंबली में जो जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव एट स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव कैसा होता है। द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी अनकैमरल और बिकाकैमरल। अनकैमरल क्या होता है,
a state having only one house in the state legislature. और बी का मैनरल क्या होता है, अ स्टेट हैविंग टू हाउस इन द लेजिस्लेटर. ठीक है, अनकैमरल लेजिस्लेटर हैज ओनली वन हाउस नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, बी का मेरा लेजिस्लेटिव हैज टू हाउस नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. अंडरस्टूड दिस वन. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर एंड नॉन एज द विधान सभा. कि जो लेजिस्लेटर होता है उसको एंड इज नॉन एज अ विधानसभा. अंडरस्टूड, इट्स रिप्रेजेंटेटिव आर नॉन एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA. ईच MLA इज सेलेक्टेड बाई डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द स्टेट्स. कि जो MLA होता है वो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का. ठीक है, जो MLA इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट के इलेक्शन द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन कैसे होती है, कि विधानसभा कैसे बनता है. आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नो नॉट लेस देन 660 मेंबर्स. इन आर्टिकल 117 के दौरान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कहती है कि हरेक राज्य के विधानसभा में 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए और 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए. ठीक है, हाउ स्मॉलेस्ट स्टेट विद द लेस पॉपुलेशन कैन हैव मेंबर्स लेस देन 60. मींस कि जो कम पॉपुलेशन वाले जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं के मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 60. ओके, पांडुचेरी हैज़ अ 30 मेंबर. कि जो पांडुचेरी है उसमें 30 मेंबर्स हैं. वेयर एवर गोवा मिजोरम एंड सिक्किम हैव अ 40 मेंबर्स. ठीक है, द बिगेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश हैज़ अ 404 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अंडरस्टूड दिस वन. मेथड ऑफ इलेक्शन, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अंडरस्टूड दिस वन. टेन्योर, इनका टेन्योर होता है, समा कितना होता है. ठीक है, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर. कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं कब तक, 5 ईयर. उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल का. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व अर्लियर इफ द रूलिंग पार्टी लॉस इट्स मेजोरिटी और इफ अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी. इट ऑल्सो के इसमें क्या कहा गया, कि इसमें कहा गया कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी मेजोरिटी लॉस कर दे, या फिर क्या होता है कि मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, कि उन पे नो कॉन्फिडेंस हो जाए, कि उनके खिलाफ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिससे जो पास्ट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी. ठीक है, तो उनको डिसमिस भी किया जा सकता है. ठीक है, इट्स टेन्योर कैन बी एक्सटेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टेट एमरजेंसी. अगर स्टेट को कोई एमरजेंसी है और इनका टेन्योर भी एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, सेशन और क्यूरम, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन सम्मन क्या होता है, कि कोर्ट की तरफ से कोई लेटर आना, उसको सम्मन बोलते हैं. सम्मन द फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट देयर मस्ट बी अ गैप फॉर 3 मंथ बिटवीन द टू सेशन ऑफ द असेंबली. इसमें क्या आ जाता है कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, विधानसभा के वित्त सत्र को भी बुला सकते हैं, लेकिन विधानसभा के दोनों सेशन के बीच गैप होना चाहिए 3 मंथ का. ओके, द टू सेशन ऑफ द असेंबली. ठीक है, टू होल्ड द सेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली द कोरम क्या होता है, अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी आर प्रेजेंट एट द मीटिंग टू पास द रिसोल्यूशन. ओके, इट इज दैट एट लीस्ट 1/10 मेंबर ऑफ द असेंबली शुड बी प्रेजेंट, अदरवाइज द सेशन आर एडजॉर्न्ड. एडजॉर्न्ड क्या होता है, टू स्टॉप द मीटिंग, और जो
मीटिंग को स्टॉप कर सकते हैं कि इसमें क्या बोला कि जो सेशन लगाना है उसमें एटलीस्ट 1/3 मेंबर असेंबली में प्रेजेंट होने जरूरी होते हैं, अदरवाइज उस मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा. अंडरस्टूड दिस?